तो जब नंबर ऑफ होल काफी ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जितने आपने यहां से जितने होल मिला है, सॉरी जितने एल्यूमिनियम के एटम मिला है, उतने क्या हो जाएंगे, होल बढ़ जाएंगे। इतने इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स में इंक्रीमेंट हो जाता है, होलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब देखो होल कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना होल, ये इसकी वजह से होल उत्पन्न हो रहा है। अब इस होल में क्या आ सकता है, ये होल के अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है पहले से फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता है, ऐसे आ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा तो दूसरी जगह पर होल उत्पन्न हो जाएगा, फिर वहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से होल इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं, और इनके चालन की वजह से, इनके कंडक्शन की वजह से करंट जनरेट होता है, चमक रहा है। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम की वजह से अपने पास में क्या आ गया, एक होल आ गया। और होल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, होल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? और इसके अंदर देखो ये एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आ जाता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कैसा बन जाएगा, एल्यूमिनियम नेगेटिव बन जाएगा एक तरीके से। और नेगेटिव बन गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो इसको बोलते हैं ग्राही परमाणु। क्या बोलते हैं, ग्राही परमाणु, एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना, अरे बात समझ में आ रही ना, एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनाना है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ताकि जो मैंने पहले बनाया था ये वाला ठीक है ये, और इसमें ग्राही परमाणु क्या होता है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर और डिटेल लिखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल करेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में और चीज़ें लिखो, यहाँ पर और पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, डिटेलिंग लिख रहे हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में। लिखो, जब एक त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है, जब एक त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है तो एक परमाणु से एक होल उत्पन्न होता है, तो एक परमाणु से एक होल उत्पन्न होता है। व्हेन ए ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज डॉप्ड, व्हेन ए ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज डॉप्ड देन, व्हेन ए ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज डॉप्ड देन ए होल इज जनरेटेड बाय दिस ट्राइवेलेंट एटम। ओके, एक चीज हो गई। दूसरा पॉइंट लिखो, इस परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं, इस परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। This atom is known as acceptor atom. Acceptor atom और acceptor आगे जाके ये आयन बन जाएगा, तो अब इसको acceptor atom बोल दो आप, acceptor atom, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट मतलब जो भी है आप इसमें लिखो, ग्राही परमाणुओं की संख्या घनत्व को, ग्राही परमाणुओं की संख्या घनत्व को, ग्राही परमाणुओं की संख्या घनत्व को एन एक्सेप्टर से प्रदर्शित किया जाता है, एन एक्सेप्टर से प्रदर्शित किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए। आई बात समझ? अरे क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो मान लो कि आपने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का एटम मिलाया, तो एक एल्यूमिनियम के एटम से क्या बना आपके पास में, एक होल बन गया, ठीक है, खाली जगह बन गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज बन गया आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अगर आपने पांच मिलाए होते तो आपके पास में क्या होते, पांच होल बन जाते, ठीक है ना। तो होलों की संख्या जो है, होलों की संख्या घनत्व हो तो उसको लिखते हैं पी से। तो जितने होल बनेंगे
यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में, उसको कैसे लिखेंगे, पी से। ठीक है, अब दूसरी चीज, एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम में होल बनेगा, और जैसे होल बनेगा इस होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है एल्यूमिनियम तो ये कैसा हो जाएगा, ग्राही, ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर। और जब इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो ये नेगेटिव आयन बनाएगा, ऋणावेश बनाएगा। तो एक जैसे एक एक होल उत्पन्न होता है तो उसके साथ में एक नेगेटिव आयन भी उत्पन्न होता है, ये समझ लो। एक नेगेटिव आयन भी उत्पन्न हो रहा है किसके साथ में, एक होल के साथ में। तो जितने होल बनेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी उत्पन्न होगा। जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव भी। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज जितना क्रिएट हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब टोटल चार्ज अब भी क्या है, बैलेंस है। टोटल चार्ज अब भी क्या, जीरो है। तो अगर मान लो कि आपने पांच अगर एल्यूमिनियम मिलाए हैं, मतलब जो दाता परमाणु है, सॉरी ग्राही परमाणु है, एक्सेप्टर आयन है, एक्सेप्टर कितने मिलाया आपने, पांच, तो मतलब Na का वैल्यू कितना है, फाइव है। ठीक है, तो Na तो ये तो क्या करेगा, नेगेटिव उत्पन्न करेगा, खुद तो नेगेटिव आयन बनाएगा, तो नेगेटिव तो Na क्या हो जाएगा, एक तरीके से जितने नेगेटिव होंगे वो उतने नेगेटिव, एक्सेप्टर नेगेटिव ही होता है, ग्रहण करने वाला नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आयन इतने हैं। इतने पॉजिटिव बनेंगे तो पॉजिटिव जो है पी वो भी इतने ही है, तो जितने नेगेटिव होंगे उतने ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात समझ में आई क्या, तो ये बात आपके समझने की बात थी। हाँ, तो यहां पर एक लाइन लिख लो, नेक्स्ट लाइन, पी अर्धचालक में ग्राही परमाणुओं की, ग्राही आयनों की संख्या, ग्राही आयनों की संख्या तथा होलों की संख्या, तथा होलों की संख्या समान होती है, तथा होलों की संख्या समान होती है, तथा होलों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न होने वाले, ऐसे लिखो, तथा उनसे उत्पन्न होने वाले होलों की संख्या समान होती है, अर्थात कुल आवेश शून्य होता है, अर्थात कुल आवेश शून्य होता है। और ये लाइन लिख लो, ये वाला, इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस एंड नंबर ऑफ होल्स विच आर जनरेटेड बाई एक्सेप्टर आयंस आर इक्वल करेक्ट है। ओके, ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। अभी मैं किसकी बात करूंगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, सेकेंड एन प्रकार का अर्धचालक, तो हमने यही पढ़ा था अभी, पी प्रकार का अर्धचालक जब पढ़ा था तब पी टाइप सेमीकंडक्टर में, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के टाइम पे क्या पढ़ा था कि जब 14th में 13 नंबर के कॉलम के एलिमेंट मिलाते हैं, इस 13th कॉलम के एलिमेंट को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप। और अगर इसमें 15th कॉलम के एलिमेंट मिला देते हैं, 15th कॉलम मतलब पंच संयोजी, पेंटावेलेंट, तो इस टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट मिला दूंगा तो क्या बनेगा, एन टाइप। ठीक है, तो एन टाइप के लिए लिखो वेन पेंटावेलेंट एटम्स आर डॉप्ड, सॉरी हाँ, when pentavalent atoms are doped with tetravalent atoms, then the produced semiconductors are known as p type of semiconductors। जब चतुसंयोजी तत्वों में पंचसंयोजी
तत्व मिलाए जाते हैं, जब चतुसंयोजी तत्वों में पंचसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं तो उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से बनने वाले अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। करेक्ट है, ठीक है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आ गया, तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं बनाऊं इसको, जैसे मान लो सिलिकन था जो ऐसा था, सबके चार चार बॉन्ड बने हुए थे अपनी अपनी जगह पे, सबके चार चार बॉन्ड थे, चार चार रिलेशन थे, ऐसे, ठीक है, चार बॉन्ड बने हुए थे। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ये प्योर सेमीकंडक्टर था, इसके अंदर एक पेंटावेलेंट मिला दिया, मान ले फास्फोरस मिला दिया। अब फास्फोरस की जो, तो इसमें क्या था, ऐसा था, पहले जो था, पहले इस सिलिकन की बात करूँ तो जैसे एक, ये एक दो तीन, ये चार, ये चार बॉन्ड बने हुए थे और सब में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ये सहसंयोजी बंध थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने सिलिकन की जगह एक पेंटावेलेंट जो एलिमेंट है, पंचसंयोजी तत्व, वो मिलाया। अब जब पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो पंचसंयोजी, मान लो फास्फोरस मिला दिया मैंने, इसकी जगह मैंने क्या मिलाया, फास्फोरस के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और है, तो ये चार तो बॉन्ड बना लेगा, एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इधर घूमने फिरने के लिए छोड़ देगा ये। अभी ये घूमने फिरने के लिए छोड़ देगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना अपने को, अरे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब नेगेटिव चार्ज मिल गया, और नेगेटिव का मतलब एन टाइप, नेगेटिव एन फॉर नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, तो यहाँ से ये एन प्रकार का अर्धचालक होता है, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। चमका, अरे क्लियर है ना। अब देखो फास्फोरस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब ये डोनर है ना, तो ये कैसा है, डोनर है अपने पास में, दाता परमाणु है, तो इसको क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। और जितने ये मिलाएंगे उसकी संख्या को क्या बोलेंगे, दाता, एन डोनर, मतलब दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व है, ये डोनर्स का डेंसिटी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो खुद भी तो पॉजिटिव बना लेता है ना, ये चीज समझना, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक नेगेटिव देगा तो एक खुद भी पॉजिटिव बना लेगा। अगर पांच फास्फोरस मिलाए तो पांच फास्फोरस आयन बन जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज बना लेंगे और खुद आयन कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो यहां पर भी जितना नेगेटिव बनेगा उतना ही पॉजिटिव बनेगा, तो जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर भी आवेश क्या है, अब भी जीरो है, टोटल चार्ज कितना है, बैलेंस्ड है, जीरो ही होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो यहां पर दाता परमाणु, उसमें क्या थे, एक्सेप्टर थे, ग्राही थे, यहां पर डोनर्स है, क्लियर है। तो जितने परमाणु मिलाएंगे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, ये एक सीन समझ में आया। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे उसके अंदर लिखे थे, पहला पॉइंट लिखो, जब चतुसंयोजी तत्व के साथ पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं, जब चतुसंयोजी तत्व के साथ पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, when pentavalent element is mixed with tetravalent semiconductor then extra electrons are
जनरेटेड। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक पंचसंयोजी तत्व से, प्रत्येक पंचसंयोजी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, प्रत्येक पंचसंयोजी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है ईच एंड एवरी पेंटावेलेंट एलिमेंट, ईच एंड एवरी पेंटावेलेंट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस वन फ्री इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। दीज पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, दीज पेंटावेलेंट एटम्स, ऐसे लिख लो, दीज पेंटावेलेंट एटम्स आर ऑल्सो नोन एज डोनर एटम्स, आर ऑल्सो नोन एज डोनर एटम्स और डोनर जब आयन बन जाते हैं तो इनको डोनर आयन्स भी बोलते हैं, आर नोन एज डोनर एटम्स। प्रत्येक पंचसंयोजी तत्व, प्रत्येक पंचसंयोजी तत्व दाता परमाणु कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। थर्ड लिखो एन डी, इसमें एन डी लिख लो, और एन डी क्या होता है, दाता परमाणु घनत्व या दाता आयन घनत्व, दाता आयन घनत्व डोनर आयन डेंसिटी, डोनर आयन डेंसिटी, ठीक है, ये हो गया एन डी। अब अपने को यहां पर ये समझ में आया कि एक डोनर मिलाएंगे एक दाता मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होगा, डोनर खुद इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इलेक्ट्रॉन तो मुक्त कर दिया, खुद पॉजिटिव डोनर बन गया, तो जितने डोनर उतना पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव तो वो मुक्त कर देगा खुद पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव भी बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 10 पॉजिटिव भी बनेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व को बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व को एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जितने एन होंगे उतने ही क्या होंगे, डोनर होंगे, जितने डोनर उतने एन। पर यह है कि ये नेगेटिव चार्ज बताता है और ये क्या बताता है, डोनर है दाता है देने वाला पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, तो एक पॉइंट और लिख लो, ये तो लिख ही लेना आप नेक्स्ट पॉइंट में, उसके बाद में एक पॉइंट और लिख लेना। दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व, दाता परमाणुओं का संख्या घनत्व तथा उनके कारण, तथा उनके कारण उत्पन्न, तथा उनके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन घनत्व, तथा उनके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होते हैं, तथा उनके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर होते हैं, द डोनर डेंसिटी, द डोनर डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द डोनर डेंसिटी एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इक्वल, ये लिख लेना अभी। डोनर पॉजिटिव बनाता है, ये नेगेटिव बनाता है। पी टाइप जो था, पी टाइप में क्या होता था, पी टाइप में ये जो था ये पॉजिटिव था, पी टाइप में भी लिख लेना ये पॉजिटिव था, एक्सेप्टर ग्रहण करता है, जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव बनता है। आई बात समझ, ये दोनों चीजें अभी आगे काम में लेंगे। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे इसके अंदर मैंने फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस के मान लो दो मोल मिला दिए, दो मोल अगर फास्फोरस मिला दिया, दो मोल अगर फास्फोरस मिला दिया, तो पहले तो सिलिकन, जो मेरे पास सिलिकन का जो मटेरियल था प्योर, उसके अंदर मेरे को 10^10 एटम पर, इतने 10^10 एटम पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिल रहा था, जो कि बहुत कम थे करंट फ्लो करवाने के लिए। लेकिन अभी अगर मान लो मैंने दो मोल भी अगर इसमें अशुद्धि मिला दी, टू मोल अगर डोपिंग कर दी, तो दो मोल का मतलब हो गया एक मोल में कितना होता है, 6.6 × 10^23 एटम होते हैं, तो दो मोल का मतलब हो गया इतने डबल एटम, इतने एटम भी अगर मैंने अशुद्धि मिला दी तो एक एटम से एक एक्स्ट्रा उत्पन्न होता है,
तो अगर मान लो मैंने फास्फोरस मिला दिया तो इसका मतलब इतने फास्फोरस मिला दिए, दो मोल फास्फोरस से, मतलब एक फास्फोरस से मेरे पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, मतलब दो मोल से इतने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे एक्स्ट्रा, और ये बहुत ज़्यादा है, 10^23, ये तो इतनी तो गिनती भी नहीं आती आपको, काउंटिंग भी नहीं आता होगा इतना, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे दो मोल से, मतलब थोड़ी सी की शुद्धि की जरूरत होती है, थोड़ा सा ही डोपिंग कर दिया ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या नंबर ऑफ होल, अगर वो ट्राइवेलेंट मिला रहे हो आप, 13वें वर्ग की मिला रहे हो, तो वहां से होल उत्पन्न हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा होल या इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, उनकी वजह से क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो करंट काफी ज्यादा हो जाता है। अगर अपने को करंट पे कंट्रोल करना है तो डोपिंग को कंट्रोल करो कि अशुद्धि कितनी मिला रहे हो, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, इनकी संख्या भी बढ़ जाती है और कंट्रोल भी अपने हाथ में आ जाता है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। आई बात समझ, क्लियर है ये सारी चीज़ जो मैंने बताई, ये सारी समझ में आई ना। अब आगे हम लोग इसी पे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है।